हे गाइस, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग टेक विद सुमित। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 9.0 यानी जो एंड्रॉयड 9.0 पाई का अपडेट है उसमें करना चाहते हो, तो ये है रेडमी 5 का अपडेट। और आप इसमें देख सकते हो कि मतलब मैंने जो कि है थोड़े बहुते सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, मतलब ऐप्स इंस्टॉल करके जो कि इसका मतलब लुक ही चेंज कर दिया है, एंड्रॉयड 9 का लुक दे दिया है। आप देख सकते हो कि मतलब लॉन्चर ही है लॉन्चर, और काफ़ी ज़्यादा आप ये देख सकते हो कि स्लाइडर, जो वॉल्यूम बटन स्लाइडर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। और वो कैसे किया है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलती है आगे की वीडियो। इसके लिए आपको एक पहले लॉन्चर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लॉन्चर। उसके बाद ही आपका जो है मतलब जो कि आपको इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है आपको। तो दोस्तों, उसके साथ आपको चाहिए वॉल्यूम पाई का जो कि है इसमें। अभी आप देख सकते हो कि इसमें जो कि है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि मतलब अभी से मतलब चेंज आ गया है इसमें, पहले से ही चेंज आ चुका है। तो आप ये देख सकते हो कि मत इसको ऊपर नीचे करोगे तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन आ जाएंगी। और इसके बाद क्या है, ये ऑप्शन आ जाएंगी इसमें, ठीक है। और एक 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 चीज़ हो रहा है इसमें, जब आप इसमें एसेसिबिलिटी करते हो तो एसेसिबिलिटी करने के बाद वॉल्यूम इसको आप ऑन करते हो, इसको ऑन किया आपने, ये थोड़ा चेंज हो गया, दो दो आ गए। अब ये देख सकते हो कि आप इसमें कि ये देखिए आप, ये बटन अलग है और ये बस यही आएगा इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, और चाहो तो राइट लेफ्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको करनी है ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 का लुक, और जो कि है ऊपर से भी काफ़ी ट्रे चेंज हो चुकी है। नीचे से आप देख सकते हो कि एक पर्सनल और दूसरा जो है वर्क का जो कि ऑप्शन बन चुके हैं। ऊपर आपको मेन ऐप्स दिखा दिए जाते हैं, सेटिंग्स, व्हाट्सएप, गूगल मैप वगैरह वगैरह। और नीचे एक आपको ये स्लाइडर बटन मिल जाता है, साइड में तीन चार ऑप्शंस और मिल जाती है। जैसे कि होम पे जाने के बाद आपको ये पीछे देख सकते हो आप कि होम पे जाने के बाद गूगल का ऑप्शन आ जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना ही है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।